एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लैक्मे के ब्लश एंड ग्लो शीट मास्क का रिव्यू। ये फ्रूटी लिशियस शीट मास्क है और मेरे पास है पोमेग्रेनेट फ्लेवर। इसमें 5 फ्लेवर्स लॉन्च हुए हैं। ये तो उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें से उस तरह की फ्रेग्रेंस आती है या नहीं है, लेकिन 5 लॉन्च हुए हैं। लेमन है, कीवी है, वाटरमेलन है और एक स्ट्रॉबेरी है, और एक ये पोमेग्रेनेट मैं आपको दिखा ही रही हूँ। तो इस तरह के हैं, पैकेजिंग काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं बाहर ये पोमेग्रेनेट बनाया हुआ है। जो भी फ्लेवर वाला आप लेंगे वही फ्रूट आपको बाहर दिखाई देगा, प्लस उसी कलर का दिखाई देगा। अगर आप लेमन लेंगे तो ये पैकेजिंग येलो हो जाएगी, कीवी लेंगे तो ये पैकेजिंग ग्रीन हो जाएगी। और शीट पास के ऊपर आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तब भी इसके ऊपर ऑफर था कि आप 5 लीजिए और आपको 3 फ्री मिलेंगे, बट मैंने ये 1 ही खरीदा है क्योंकि पहले मुझे 1 देखना था किस तरह का है, किस तरह का वर्क करता है। एक साथ इतने सारे खरीदने का कोई मतलब नहीं है यार। और वैसे भी शीट मास्क में पैसे ज्यादा नहीं डालने चाहिए अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शीट मास्क काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं। 100 रुपीज का आपको एक मिलता है और इतने में तो आप अगर 100-200 रुपए और डालेंगे तो आप किसी अच्छी कंपनी का आप एक पैक ले सकते हैं जो कि आपका कई बार चलेगा। 100 रुपए शीट मास्क में डालने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा है, तो इसीलिए बस मैंने ये 1 ही खरीदा है क्योंकि मुझे इसे ट्राई करना था। तो प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दी है, 100 रुपीज का है, 20 ml आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है, 3 साल की आपको उसमें शेल्फ लाइफ मिल जाती है। और शीट मास्क में कुछ भी ऐसा नया फॉर्मूला नहीं होता है। बहुत से लोगों को पता होगा किस तरह से इसको लगाते हैं, मैं इसको आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, प्लस की फ्रेग्रेंस वगैरह भी मेंशन कर दूंगी किस तरह की आती है। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, बस आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, देन आप इसको अप्लाई कर लीजिए फेस को ड्राई करने के बाद, और 10 से 15 मिनट आपको इसको रखना होता है, देन आप इसको रिमूव कर दीजिए और जो सीरम आपके फेस पे रहता है उसको आप अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लीजिए। इसका इसको लगाने का यही तरीका होता है, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी किस तरह लगाते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्किन पे कोई स्कार है या फिर कोई इरिटेशन हो रही है, इरिटेट हो रही है आपकी स्किन, तो आप इसको ना लगाएं, अवॉइड करें। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है इसको लगाने के बाद तो आप इसको रिमूव कर दें, ना लगाएं। और अगर ज्यादा ही आपको परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसके ऊपर ये सब चीजें मेंशन है और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, और पैराबिन मुझे इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि इसके अंदर कोई पैराबिन है। 1 सेकेंड मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जी हाँ, इसके अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर रीड कर लिए हैं, कोई पैराबिन इसके अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई भी इसके अंदर पैराबिन है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं किस तरह का है, किस तरह का रिजल्ट देता है और कैसा लगता है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ ये शीट मास्क। तो इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो वो जो सब मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि फेस मास्क लगाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है माइसाइलेंट वाटर, ये सिंपल का है, बहुत अच्छा है, और इसको मैं ले रही हूँ इस कॉटन पैड पे, जिससे कि क्या होगा जो भी डेली क्रीम वगैरह है या फिर जो भी डस्ट वगैरह है वो फेस पे से हट जाएगी। आप देख सकते हैं फेस क्लियर हो जाता है। माइसेलर वाटर एक बार यूज करना चाहिए, आप चाहे नॉर्मल ही यूज करें लेकिन आपको डेली में एक बार यूज कर लेना चाहिए, ताकि फेस पे साइड डर्ट वगैरह वो साफ कर देता है। एंड देन मैं यूज कर रही हूं ये फेस वॉश, ये है बायोटिका बायो नीम फेस वॉश, काफी अच्छा है। मुझे थोड़ा सा दाने से निकल रहे हैं इस टाइम, तो अब मैं कर लेती हूं अपना फेस वॉश। फेस कर लिया है मैंने वॉश, फेस को वॉश करने के बाद ड्राई भी कर लीजिए। और अब मैं यूज करने वाली हूं शीट मास्क। तो ये है लैक्मे का शीट मास्क, मैंने पूरी डिटेल्स आपको दे दी हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ओपन करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको ऐसे टियर करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है गाइस इसके अंदर से, बिल्कुल ना पोमेग्रेनेट की स्मेल ही आ रही है,
और आप देख सकते हैं मुझे शीट मास्क अच्छा लगा, अभी मैंने यूज नहीं किया बट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारा आपको सीरम दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जैसे नायका के शीट मास्क होते हैं ना, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये। बाकी फेस पे लगाने के बाद पता चलेगा, ये आप देख सकते हैं पूरा सीरम में डूबा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का है। बहुत अच्छा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, चाहे तो उसको फ्रिज में रखने के बाद भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे अब समर्स आ जाएंगे। ये सारी लेयर्स होती है इसकी, आपस में चिपक जाती है, पता ही नहीं चलता है। आप देख सकते हैं फेस पे परफेक्टली आ गया है। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि अगर किसी का फेस थोड़ा सा मतलब राउंड शेप में होगा या थोड़ा सा हैवी होगा, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा छोटा पड़ जाए, क्योंकि ये मेरा फेस तो काफी पतला है, तो ये मुझे फिट आ रहा है, तो हो सकता है। अब मैं आफ्टर 15 मिनट आपको दिखाती हूँ। तो अब इसको हो चुके हैं पूरे 15 मिनट, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूं। बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है, उसके ऊपर बहुत सारा सीरम था गाइस, बहुत ही अच्छा। और अब इस सीरम को अपने फेस पे आप मसाज कर लीजिए। उसके बाद फेस को वॉश नहीं करना है, बस अब आप एज इट इज छोड़ दीजिए। और अगर हो सके तो सबसे अच्छा ना शीट मास्क लगाने का टाइम रात के टाइम ही होता है। आप देख सकते हैं बाहर लाइट जली हुई है, और एक चीज मैं बोलूंगी, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, और जो भी सीरम होता है आपने हैंड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ये काफी बेनिफिट देता है, काफी अच्छा रहता है फेस के लिए। और बस आप फेस वॉश नहीं करना है, बस अब आप एज इट इज हो जाइए, बस आपकी स्किन ग्लो करेगी और काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं फेस कितना क्लियर लग रहा है और कितना ज्यादा साफ भी लग रहा है। तो इसे आप मेरी तरफ से तो आप इनको एक बार ट्राई कीजिए, काफी अच्छे शीट मास्क है, मुझे अच्छे लगे, और भी परचेज करूंगी अगर तो आपके साथ शेयर करूंगी, तो काफी अच्छा है, चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।